नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ गिरीश बूबना। गिरीश, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका। गिरीश, कानपुर में दो दिनों के बाद, कहें कि ढाई दिनों के बाद करीब बारिश तो रुकी, लेकिन आज जो भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की बारिश की, ऐसा लग रहा था कि वो जो बारिश से राहत मिली थी, कुछ आराम मिला था बांग्लादेश के बल्लेबाजों को या खिलाड़ियों को, उस आराम को आज जैसे बिल्कुल भारतीय बल्लेबाजों ने मुश्किल में बदल। बिल्कुल, पहले दिन जब खेल रुका था तो 107/3 का स्कोर था जी। मोमिन हक जो है 40 के नाबाद स्कोर पर खेल रहे थे और दो दिन बारिश या जो गिली जो सतह है आउटफील्ड, उसकी वजह से मैच नहीं हो पाया। खैर, सूर्यदेव का धन्यवाद जो आज चौथे दिन खेल समय पर हुआ। 98 ओवर की बात की गई थी, लेकिन फिर भी आखिरी में जो है कुछ ओवर शॉर्ट रह गए। लेकिन आप ये देखें कि चौथे दिन की जब खेल की शुरुआत हुई तो 233 पर ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम और 126 रन जोड़े। हम आपके साथ विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस अंदाज में आज भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि T20 क्रिकेट। बिल्कुल, पहली गेंद में ही रोहित ने छक्के के साथ शुरुआत की और एक लक्ष्य था, सिर्फ वो लक्ष्य था कि जीत करना और सिर्फ यहां पर ड्रॉ के लिए नहीं भारतीय टीम उतरी है। भारतीय टीम WTC पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये मैच जीतना चाहती है हर हालत में। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। भारत ने सैफ U17 चैंपियनशिप में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता। भारतीय रेलवे की टीम IOC को हराकर अखिल भारतीय मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी की विजेता बनी और गौतमी भनोट और अजय मलिक की जोड़ी ने पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में एयर राइफल मिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो आज क्रिकेट की बात। सबसे पहले कानपुर में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 285 रन बनाकर घोषित कर दी और इस मुकाबले में आज जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारत ने बांग्लादेश के 2 विकेट भी झटक लिए थे। सुनते हैं पहले मुकेश की रिपोर्ट। जिस टेस्ट मैच में दो दिन से अधिक का समय बारिश की भेंट चढ़ गया हो, उसमें परिणाम की उम्मीद जगाने का करिश्मा तो टीम इंडिया ही कर सकती है। चौथे दिन आज जब मौसम ने खेल की अनुमति दी तो मेजबान टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और पूरी टीम को 233 रन पर समेट दिया। मौसम पर भले ही कोई नियंत्रण न हो, लेकिन बुमराह की बातों से ऐसा लगता है कि मैच पर काफी हद तक उनकी टीम ने नियंत्रण कर लिया है। आफ्टर द फर्स्ट डे व्हेन इट गॉट स्टॉप्ड, वी वर रेडी फॉर द सेकंड डे, बट यू नो ऑब्वियसली वेदर इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड दिस इज समथिंग न्यू दैट्स हैपेंड दैट वी यूज्ड टू गेट रेडी एंड देन वी आर वेटिंग for updates, but yeah, it is the way it is. You can't control the weather. Good two relaxing days and we are back at it again. गेंदबाजों के बाद जब बल्लेबाजों की बारी आई तो वे भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। जल्दी से जल्दी रन बनाने की भूख के चलते भारतीय बल्लेबाज ग्रीन पार्क की पिच पर एक के बाद एक रिकॉर्ड जड़ते चले गए। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में पहले सबसे तेज 50 रन पूरे किए, इसके बाद सबसे तेज 100 और 200 रन का रिकॉर्ड भी बना। भारतीय बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट नहीं बल्कि 2020 क्रिकेट खेल रहे हैं। जायसवाल ने सिर्फ 51 गेंद में 72 तो KL राहुल ने 43 गेंद में धुआंधार 68 रन की पारी खेली। सभी भारतीय बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर जल्दी से जल्दी बड़ा टोटल खड़ा करने की कोशिश में दिखे। टीम इंडिया ने सिर्फ 34.4 ओवर में 9 विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। दिन के अंतिम लम्हों में मेहमान टीम को फिर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। टीम की इस रणनीति को अनुभवी अश्विन ने मुकाम तक पहुंचाया और दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट झटक लिए। बांग्लादेश अब भी 26 रन से पीछे है। अब कल 5वें और अंतिम दिन में मेजबान गेंदबाजों की यही कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उनकी पारी को समेट दिया जाए और फिर जो भी लक्ष्य मिले उसे बल्लेबाज अंतिम गेंद फेंके जाने से पहले पूरा कर लें। जीत के लिए बेचैन दिख रही टीम इंडिया हर जोर लगाएगी और शायद एक और जीत उसका इंतजार कर रही है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो गिरीश, कल का जो कहें कि पहला दो घंटा होगा, कितना अहम रहने वाला है लंच से पहले का जो समय है, और भारतीय गेंदबाज की क्या कोशिश होगी, बांग्लादेश के बल्लेबाज क्या चाहेंगे? देखिए, अभी भी 26 रन से पीछे है बांग्लादेश की टीम जी, और आज खेल समाप्त होते तक 26 पे दो विकेट गिरा दिए हैं भारतीय टीम ने, दोनों ही विकेट अश्विन के खाते में गए। आकाशदीप के पास एक मौका था, हालांकि राहुल ने कैच छोड़ दिया स्लिप पे, तो उनके पास भी एक विकेट खाते में होता। लेकिन अब यह है कि भारतीय टीम अगर लंच तक तो नहीं, कम से कम लंच के बाद का जो पहला घंटा है, क्योंकि आप देखिए आज का भी जो खेल है, भारतीय टीम ने जो स्कोर बनाया है करीब 30-35 ओवर में, उन्होंने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उस लिहाज से ये तो है कि भारतीय टीम ऑल आउट जाना चाहेगी। जो भी 200 का भी अगर लक्ष्य मिलता है तो, या 250 का भी लक्ष्य मिलता है, वो भारतीय टीम के इरादों देखते हुए, वो तो उनके इरादे देखते हुए लग रहा है कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होने वाला। लेकिन उससे पहले अब अश्विन का साथ देना पड़ेगा, जडेजा को भी देना पड़ेगा, और बाकी जो तीन तेज गेंदबाज हैं वो बची हुई जो 8 विकेट हैं, यहां पर जो बांग्लादेश के हित में नहीं गया। आज बांग्लादेश ने जब वापस दूसरी पारी में अपनी बल्लेबाजी करने स्टार्ट की, तो हसन महमूद को एक नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजा गया था धर्मेंद्र, और उनका काम क्या था, नाइट वॉचमैन का काम ये होता है कि जितनी भी गेंद को वो ब्लॉक करे, तो कम से कम जो 18 ओवर का खेल बचा था उनकी तरफ से, क्योंकि लाइट नहीं हुई थी और फास्ट बॉलर से तो लगभग सिर्फ 11 ओवर का ही मुकाबला हुआ और 10 मिनट जो है चेंज ऑफ इनिंग्स का था, तो लेकिन हसन महमूद ने एक स्लॉग सॉफ्ट लगाया और वहां पर वो आउट होके चले गए। चलिए, दो विकेट तो गिर गए हैं बांग्लादेश के, लेकिन अब जो है यहां से आपको लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा सचमुच काफी भारी हो चला है, क्योंकि अभी कल पूरे दिन का खेल बचा हुआ है, 8 विकेट ही सिर्फ बांग्लादेश के बचे हैं पास में। मैं अभी पीछे श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, गोल में से दूसरा टेस्ट मैच था, जहां पर 600 का एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम आई वो 88 रन पे ही ढेर हो गई जी। और इस जो बांग्लादेश की पारी में आप अगर मोमिन हक को देख लीजिए, अभी पहले पारी में भी जो सेंचुरी लगाकर वो नाबाद रहे, अभी भी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें एक्सपीरियंस है। लेकिन पिच क्या कह रही है, 5वें दिन की पिच होगी कानपुर की? आज का जो खेल हुआ उसमें जो भारतीय बल्लेबाज अगर आप देखें, रोहित को आप देखें, यशस्वी जायसवाल को देखें, वो लो बॉल पे आउट हुए, बाकी और तेज रन बनाने के चक्कर में आउट हुए। तो इस लिहाज से अश्विन को तो नई गेंद भाती है, उन्होंने नई गेंद से ही दोनों विकेट मिल गई, और यहां पर अब जो बेशक 2 दिन का खेल नहीं हुआ लेकिन बॉल जो है अब नीचे रह रही है, और इस लिहाज से जो बांग्लादेशी बल्लेबाज उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कल। और उधर भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच किया, 4वें दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे कर लिए, ऐसा करने वाले वे दुनिया के 4वें बल्लेबाज बन गए हैं। और कानपुर में ही आज ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 300वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया, और अगर हम कहें तो उन्होंने ये कामयाबी जो है हासिल की है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इस उपलब्धि के बाद जडेजा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। यू अचीव समथिंग फॉर इंडिया इट्स ऑलवेज स्पेशल एंड आई बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट सिंस 10 इयर्स एंड फाइनली आई हैव रीच्ड दिस माइलस्टोन, सो इंडिविजुअली आई हैव डन वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, फीलिंग वेरी हैप्पी। व्हाटएवर यू डू फॉर योर कंट्री यू ऑलवेज फील गुड एंड ऑलवेज फील स्पेशल एंड इट विल रिमेन फॉरएवर इन योर मेमोरी एंड ऑलवेज यू नो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेनेवर आई प्ले व्हेनेवर आई वेयर द इंडियन जर्सी। ये तो थी कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच की बात, और कल उसका अंतिम दिन है, वो क्या परिणाम रहेगा वो हम आपको भी कल बताएंगे। लेकिन लखनऊ में ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में कल से रणजी चैंपियन मुंबई और शेष भारत का मुकाबला होगा। ईरानी का मौजूदा रणजी चैंपियन और देश के शेष राज्यों के खिलाड़ियों की टीमों के बीच घरेलू क्रिकेट कैलेंडर का अहम मुकाबला होता है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ में पहली बार ईरानी कप का मुकाबला देखा जाएगा। इकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के ही लिए मुफीद मानी जाती है, ऐसे में एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। रणजी चैंपियन मुंबई अब तक 14 बार ईरानी कप जीत चुकी है, जबकि शेष भारत 30 बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। पिछले साल शेष भारत ने तत्कालीन रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को 175 रनों से हराया था। मुंबई की बल्लेबाजी का दारोमदार कप्तान अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ
और तनुष कोटियान पर होगा, जबकि गेंदबाजी में अनुभवी शार्दुल ठाकुर और शम्स मुलानी के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी। शेष भारत की बल्लेबाजी प्रमुख रूप से उप कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन, ईशान किशन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर निर्भर करेगी। वहीं ऑलराउंडर मानव सुथार और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के प्रदर्शन पर भी सबकी निगाहें होंगी। इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन के जरिए सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आगामी दौरे से पहले चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे। ऐसे में ईरानी ट्रॉफी के लिए इस बार का मुकाबला कांटे की टक्कर पर होने की उम्मीद है। प्राची प्रिया, पोस्टकास्ट। गिरीश, न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है भारत, और उससे पहले ईरानी कप के लिए ये मुकाबला कितना अहम मानते हैं आप उन खिलाड़ियों के लिए जो इस प्रतियोगिता में उतर रहे हैं? बिल्कुल, सिलेक्टर की नजर होती है और वो चाहते हैं, क्योंकि अभी भारत को 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है और जो रोटेशन पॉलिसी है, कई खिलाड़ियों को, अहम खिलाड़ियों को आराम भी देना चाहते हैं, वर्क लोड मैनेजमेंट की बात हो। तो यहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया ने धर्मेंद्र 30 बार जीता, मुंबई ने 14 बार, और आखिरी बार जो मुंबई जीती थी 1997-98 में जीती थी, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। पिछले दो लगातार वो ईरानी ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो लेकिन यहां पर जो कमी खलेगी वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा मुशीर खान का, जिनका वो भाग लेने जा रहे थे और रोड एक्सीडेंट हो गया और अब वो इस टीम का भाग नहीं है, मुंबई टीम का भाग नहीं है। तो इस लिहाज से सिलेक्टर की नजर तो सारे खिलाड़ियों पर है। और क्रिकेट से चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली है। भूटान के थिम्पू में आज खेले गए फाइनल में उसने बांग्लादेश की अंडर 17 फुटबॉल टीम को 2-0 से हराया। भारत के लिए मोहम्मद कैफ ने मैच के 58वें मिनट में पहला गोल किया, दूसरा गोल नजमुल खुदा फैजल ने अतिरिक्त समय में किया। फुटबॉल से जुड़ी एक और खबर, हैदराबाद में कल इंडियन सुपर लीग ISL में चेन्नई FC का मुकाबला हैदराबाद FC से होगा। हैदराबाद FC प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी। ये सुनते हैं रिपोर्ट। ISL के इस मुकाबले में फुटबॉल का रोमांच अपने चरम पर होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दम लगा देंगी, क्योंकि अंक तालिका में दोनों ऊपर आने के लिए बेचैन हैं। हैदराबाद को अभी तक के अपने दोनों मुकाबलों में पराजय का सामना करना पड़ा है और अंक तालिका में उसका खाता नहीं खुल सका है। पिछले मैच में उसे पंजाब FC ने 0-2 से शिकस्त दी थी। उधर चेन्नईयन FC को भी पिछले मैच में मोहम्मदन स्पोर्टिंग से मात खानी पड़ी थी। दोनों टीमों के बीच ISL के अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 10 बार दोनों आमने सामने हुए हैं, जिसमें दोनों के हाथ 4-4 मैच में जीत हाथ लगी है, जबकि 2 मैच बराबरी पर समाप्त हुए हैं। कल के मुकाबले में हैदराबाद की रक्षा पंक्ति मजबूत मानी जा रही है, घरेलू समर्थकों का भी उसे साथ मिलेगा। ऐसे में चेन्नई के लिए ये मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है गिरीश, सदर्न डर्बी है। लेकिन एक सिर्फ जो आंकड़ा मैं देना चाहता हूं धर्मेंद्र, कि पिछला सीजन हैदराबाद के लिए बहुत ही भुलाने वाला सीजन था। 22 मैच में सिर्फ 1 जीत, 16 हारे, 5 ड्रॉ, लेकिन वो जो 1 जीत उनको मिली थी वो चेन्नई के खिलाफ ही मिली थी। तो इस लिहाज से कल जब उतरेंगे तो काफी ये हो सकता है कि चेन्नई के खिलाफ उनका मुकाबला एक तरफा ना हो, उनके लिए एक पक्ष में आ सकता है ये मैच। हॉकी से खबर, भारतीय रेलवे ने 95वें अखिल भारतीय मुरुगप्पा गोल्ड कप का खिताब जीत लिया है। चेन्नई में आज पिछले चैंपियन भारतीय रेलवे ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC को 5-3 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बैडमिंटन से खबर है कि भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी रक्षा कंदासामी ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एक के बाद एक क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट के खिताब जीत लिए हैं। 16 वर्षीय रक्षा ने अपनी 2 खिताबी जीत के दौरान सभी 5 गेंद जीते। निशानेबाजी में गौतमी भनोट और अजय मलिक की भारतीय जोड़ी ने कल पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में एयर राइफल मिक्स स्पर्धा में क्रोएशिया को 17-9 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा में चीन ने फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में भारत के लक्षिता और प्रमोद ने कनिष्का डागर और मुकेश नीलावानी को 16-8 से हराकर एक और कांस्य पदक जीता। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं गिरीश की, आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, आपका भी। दोस्तों, आपसे फिर होगी मुलाकात कल ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।